जी सर। देखिए अंग्रेजों के जमाने में भी जो पुलिस हुआ करती थी उसको भी कोर्ट से सर्च वारंट चाहिए होता था, क्योंकि अंग्रेज तक ये मानते थे कि अगर आप पुलिस को, एजेंसी को किसी के घर में घुस के छापा मारने की ताकत दे देंगे फिर तो जो है अफरा तफरी मच जाएगी, फिर तो दादागिरी हो जाएगी। मगर आज ईडी को कोई वारंट की जरूरत नहीं है, ईडी के अफसर खुद तय करते हैं कि उनको किसके यहाँ जाना है। और क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है कि भारत के अंदर ज़्यादातर राज्यों में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, इनके मंत्री हैं, इनके मुख्यमंत्री हैं, ईडी सीबीआई इनके यहाँ छापे नहीं मारती। बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, कानून अपना काम कर रहा है, ईडी स्वायत्त है। अरे भाई स्वायत्त है तो भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों के घर कब जाएगी ईडी? इतनी बड़ी बड़ी रिपोर्टें छप रही हैं, इंटरनेशनल मीडिया के अंदर छप रहा है, हजारों करोड़ के घोटाले हो रहे हैं, इनकी जांच ईडी कब करेगी? सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन लीडर्स को चुप कराने की एक साजिश है। 2024 से पहले ये तय किया हुआ है कि जितनी भी बड़ी बड़ी मुखर आवाजें हैं अपोजिशन की उनको जेल में डाला जाएगा, और इसी सूरत में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत सकती है, वरना भारतीय जनता पार्टी का 2024 में जाना लोगों ने तय किया।